ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं और वर्तमान कुलपति अविनाश तिवारी को हटाकर धारा 52 लगाने की मांग के चलते एनएससीआई के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस और छात्राओं के बीच झड़प भी हुई है, जिसमें कुछ छात्रों को चोट भी लगी हुई है। एनएससीआई ने आरोप लगाया है कि उन पर हमला किया गया है और प्रदेश अध्यक्ष को भी चोट आई है। पुलिस का कहना है कि छात्रों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें तितर-बितर किया गया था, इसे पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। के छात्र और कार्यकर्तागण अपनी जो आज जीवाजी विश्वविद्यालय में निमित्ता है, वो छात्रों के जो समस्या है उनको उठाने के लिए आज अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा का शासन और प्रशासन ने जो दमन किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई गई हैं, उनको हरासित किया गया, उनको चोटिल किया गया है। ये आज जो कृत्य है, किसान अपनी मांग उठाए तो ये भाजपा शासन और प्रशासन उनका दमन करता है। मजदूर अपनी बात कहे, गरीब अपनी बात कहे, तो ये सबका दमन करते हैं। इनके दमन का अंत 2023 और 2024 में होगा। कार्यालय के अंतर्गत शिवाजी यूनिवर्सिटी का घेराव का प्रोग्राम एनएसयूआई के द्वारा बनाया गया था। इनके प्रदेश अध्यक्ष आए थे, तो इनके द्वारा अभी यहाँ पर एक सभा की गई छोटी सी कार्यकर्ताओं के साथ। उसके बाद इनके द्वारा जबरदस्ती गेट तोड़कर अंदर जीवाजी यूनिवर्सिटी में घुसने की कोशिश की गई और पथराव भी किया गया। कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए इन पर सबसे पहले पानी की बौछारें की गई और जब ये नहीं माने तो फिर उसके बाद इन पर लाठीचार्ज किया गया। जी हाँ, इसमें गाड़ी भी के शीशे भी तोड़े हैं, जो सरकारी वाहन है, तो शासकीय संपत्ति को भी इनके द्वारा नुकसान पहुँचाया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।